दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सभी अमीर हो जाएंगे और इस देश में गरीबी से कोई भूखा नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया था कि वो अब अनलिमिटेड पैसा छाप कर अपने सारे कर्जे चुका देंगे और सारा देश ही अमीर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो बच्चा बच्चा अमीर हो गया, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता कि ये बच्चा इतने सारे पैसे से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहाँ पर उसके बाद एक ब्रेड का पैकेट ही इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर छापे गए पैसे भी किसी काम के ना रहे। यानी कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसों को सरकार छापती कैसे है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि सरकार कैसे इतने सारे नोटों को छापती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल्स आते हैं और अब इन कॉटन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। प्रॉपर मैश होने के बाद उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम्स में फेंका जाता है ताकि इनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस सारे मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटरमार्क होता है और यही वाटरमार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में वाटरमार्क पेपर पर चढ़ता है और दूसरी तरफ वही पेपर का बड़ा सा रोल बनता रहता है। अब उसी बड़े से रोल में से कुछ पेपर का सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब उस बड़े से मदर रोल को तीन रोल्स में कटिंग कर लिया जाता है जिससे उन्हें आगे का प्रोसेस ईजी रहे। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम लगी होती है जिसे हम तार भी कहते हैं, और ये हर नोट में अलग अलग रंग की होती है और ये होलोग्राम भी वाटरमार्क के बाद नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है और ये क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा वाटरमार्क और होलोग्राम ठीक है भी या नहीं। अब उसके बाद वो पेपर का रोल इस मशीन पर लाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इस प्रोसेस के बाद इन पेपर्स के रोल्स को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग एरिया में जब रोल पहुंचाया जाता है तब वर्कर उन पेपर्स को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को आगे भेजती रहती है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट तीन तरह की प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। अब जैसे कि पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज होते हैं और इसीलिए मशीन में भी रेड और ग्रीन कलर वर्कर्स द्वारा डाले जाते हैं। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि करेंसी पर लगा कलर कहीं ज़्यादा डार्क या ज़्यादा लाइट तो नहीं हो गया, और इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अब जैसे कि इस नोट पर 2000 लिखा है जो कि एक एंगल से अलग रंग का दिखता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में करी जाती है। अब फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटेलजियो प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट करे जाते हैं जिससे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ लिखा गया है, और उस तरह के टेक्सचर इंटेलजियो प्रिंटिंग में लगाए जाते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग मशीन में भेजा जाता है जहां पर नोटों को प्रॉपर साइजेस में काट दिया जाता है और फिर वो नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में भेजकर अलग अलग बैंक्स में भेज दिए जाते हैं, और जो नोट यहां पर ख़राब हो जाते हैं उन्हें आगे RBI के पास भेज दिया जाता है और उसकी बाद में कटिंग करा के दोबारा से उतने ही नोट और भी छाप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।